हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं पोषण से भरपूर दलिया की खिचड़ी। स्वागत है आपका गणेश का किचन एंड DIY ब्लॉग में। चलिए आज बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी दलिया की खिचड़ी। इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी दलिया। इसको हमने पहले से ही रोस्ट करके रखा था। इसे आप चाहें तो तुरंत भी रोस्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कटे हुए वेजिटेबल लिए हैं। एक शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिया है, पोटैटो लिया है और 3-4 हरी मिर्च काट के ली हैं। अगर बच्चों के लिए बनाएं तो हरी मिर्च नहीं लें, और गाजर ली है। सबसे पहले हम गैस पर चढ़ाएंगे कुकर, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा राई। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा राई लिया, काली वाली राई ली है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और 3-4 हरी मिर्च कटी हुई इसमें डाल दिया, और एक हम डालेंगे फ्रेश करी लीव्स की पत्तियाँ। अगर आपके पास करी लीव्स ना हो तो ना डालें। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी हम 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे सारे वेजिटेबल। चलिए अब अच्छे से टमाटर भून चुका, अब इसमें डाल देते हैं हम शिमला मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे गाजर और पोटैटो। सारी वेजिटेबल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी बहुत होती है। हमें दूसरे या तीसरे दिन एक बार ज़रूर खाना चाहिए दलिया की खिचड़ी। देखिए सारे वेजिटेबल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। अगर बच्चों के लिए बनाएं तो मिर्च नहीं डालें। यहाँ पर डाला है थोड़ा सा मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से हमें अच्छे से मिक्स करना है सारी वेजिटेबल में। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर डालेंगे हम इसमें रोस्ट किया हुआ दलिया। दलिया को भी सारे वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स कर देना है। दलिया को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाले में और वेजिटेबल में 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। चलिए अब इसमें डालेंगे हम पानी। यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पानी को हमें इसमें ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि इसमें दलिया थोड़ा टाइम लेता है गलने के लिए। यहाँ पे लगभग मैंने आधे जग के पानी का यूज़ किया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी बस इतना ही डालना है जिससे अच्छे से गल जाए। दलिया में पानी डाल दिया, अब इसमें लगाएंगे हम ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद इसमें 4 से 5 सीटी लगाएंगे, और इसके प्रेशर को ठंडा होने के बाद हम ढक्कन खोलते हैं। चलिए इसका ढक्कन खोल के देखते हैं दलिया खिचड़ी बनी है कि नहीं। देखिए एकदम परफेक्ट वाली गर्मा गर्म वेजिटेबल दलिया की खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए देखिए लग रही है ना, एकदम परफेक्ट हेल्दी खिचड़ी। एक बार आप इस तरीके से खिचड़ी बनाकर खाएंगे तो आप चावल की खिचड़ी का स्वाद भूल जाएंगे। इस तरह से अगर आप बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे भी भाग भाग कर खाएंगे दलिया की खिचड़ी। अगर उनको नहीं पसंद आएगा तब भी चटपटी मसाले वाली वेजिटेबल की दलिया की खिचड़ी बनाकर खाएंगे। चलिए इसे करते हैं सर्व। अगर आपके बच्चे मीठा दलिया नहीं खाएँ तो उनको वेजिटेबल वाला दलिया बनाकर ज़रूर खिलाएँ। देखिए इतनी अच्छी लग रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। लीजिए एकदम परफेक्ट वाली हेल्दी दलिया की खिचड़ी बनके तैयार है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए लग रही है ना एकदम परफेक्ट, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाइए, बहुत ही हेल्दी और पोषण से भरपूर होती है। किस किस को दलिया की खिचड़ी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।